यो व्हाट्सअप गाइस, तो स्वागत है आपका एक और नई गेम प्ले। और गाइस आ गए हैं आपकी बार हम मिलिट्री बेस। पहले स्कूल कॉन्करर कर रहे थे, अब करेंगे मिलिट्री बेस। भाई एक स्क्वाड हमारे ऊपर उतरती है, देखो इस बंदे को कोई और नॉक कर देता है भाई। ये पता नहीं दूसरी स्क्वाड का बंदा था, ये फिनिश ही कर रहा था उसे। और जैसी भाई दूसरी मैं बाहर से आता हूँ और देखता हूँ, यहाँ पे फिनिश ही कर रहा था इसे। यहाँ पर नॉक रहा भाई, ये इसे मार देता है। यहाँ पे एक नॉक रहता है, इसे यहाँ पे मैं मार देता हूँ। इसे मारने के बाद भाई मैं इधर उधर देखता हूँ और कोई बंदे हैं क्या। सामने भाई डीपी वाला बहुत कैडी डीपी चला रहा था, उसे थोड़ा बहुत डैमेज देने की कोशिश करता हूँ मैं। देखो यहाँ पर आता हूँ मैं, थोड़ी एमो लेने। डीपी वाला दिखता है भाई, वह मुझे ही पीक करके देख रहा था भाई। एम कॉन्सेंट्रेशन देखो भाई उसका, मैं इसके उठा लेता हूँ भाई। जब भी पीछे से साउंड आती है मुझे लगा कोई बंदा है भाई, ये तो बोट है। इस बोट को निपटाने के बाद भाई इसे यहाँ ही फिनिश कर देता हूँ। सामने से पड़ती है भाई, थोड़ा साइड में हो जाता हूँ मैं भाई। पड़ रही थी भाई, मेरे बंदे तो धीरे धीरे निपट लेंगे भाई। एक को ही चिकन डिनर का करा पाता हूँ मैं, दो नंबर को। वो भी लास्ट में जाकर मर जाता है यार बेचारा। बकरे की तो बलि चढ़ानी पड़ती। जब भी देखता हूँ टीवी वाला भाई सामने सारा, इसे हल्का सा डैमेज देने की कोशिश करा भाई। चार नंबर को नॉक करता हूँ भाई, ये बाहर से आता है, मैं यहाँ पर तैयार रहता हूँ भाई। आ जा भाई, ये देखो भाई 1 HP जंप मारा और भाई बस कसम से गया था। बस एक दो एम और लगती और मैं ख़त्म भाई। से यहाँ पे फिनिश करने के बाद मैं यहाँ पे लूट वूट कर रहा था, जब भी मुझे सामने एक बंदा दिखता है खड़ा हुआ। क्या कर रहा था भाई, मारता हूँ भाई फिनिश भी एकदम तुरंत डाल देता हूँ भाई। कोई किल चुरा ले पता नहीं, बहुत ही बंदे आए थे भाई। अब देखते हैं यहाँ पर, मैं यहाँ पर आके दो नंबर के पास जाने की कोशिश करता हूँ। देखो बाहर से एक बंदा आया, मैं देखता हूँ पहले तो यार ये आया नहीं, इंतज़ार करता हूँ भाई। मैं फिर सोचता हूँ बाहर जाकर इसे निपटाना चाहिए यार। दो नंबर जाता है, दो नंबर शायद निपटा देता है, फिर छोड़ देता है। सामने की तरफ देख देखो, जैसे बाहर वाले को निकालेंगे, बहुत दिक्कत दे रहा है। कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है, कौन सी दुनिया में भाई। ये अलग ही नशे में था, किसी ने बताया भाई मिलिट्री बेस में काफ़ी बंदे आए थे। अब पूरा मिलिट्री बेस खाली करेगा। और भाई गाइस बताना कि कितने किल हुए मेरे। ओके गाइस, तो यहाँ पर रश कर देते हैं कुछ बंदे। और भाई देखता हूँ भाई रश भी किसने कराया यार। बोट महाजन हेड टू हेड लगा और भाई फिनिश। और सामने की तरफ भाई स्नाइपर का खेल चल रहा था, कभी इधर से कभी उधर से। और भाई हमारा भाई कुछ कम नहीं था भाई, जैसी फायर की साउंड आती है मैं भी बाहर जाकर देखने लगता हूँ क्या हुआ। एक नंबर को भाई तुरंत फिनिश करता। और भाई ये देखो ये भाई ग्रीन नहीं होती ना, ये बाल बाल बच गया भाई दूसरा वाला तो। और भाई ये ग्रीन जो गया है इसे भी निपटाएंगे गाइस, ऐसी बात नहीं है कि ये बच जाएगा। फिर मैं यहाँ पर अपने बंदों को रिवाइव देता हूँ। मैं कहता हूँ भाई दो नंबर अंदर तो चल जा ले, उधर से डीपी चल रही है, तू यहाँ पर रिवाइव लेना चाह रहा है भाई। इन्हें रिवाइव करने के बाद सामने एक बंदा भाग कर नजर आता है, इसे यहीं धर देता हूँ। चलो भाग भाग के जाएगा कहाँ। और भाई साइड में भी बंदे थे। और भाई मैं कुछ सोच रहा था दिमाग में यार, क्या करूँ क्या करूँ भाई, पागल हो गया था। देखा था सब पीछे से वो आता है भाई, इसे भी यहाँ फिनिश करने के बाद भाई मैं देखता हूँ कुछ तो गड़बड़ है। ये देखो भाई भाई इसे चार नंबर निकाल देता है भाई। और भाई इसकी लूट लेने के बाद मैं इसकी वो उठा लेता हूँ। और भाई ये स्नाइपर के शॉट जरूर देखता, ये वाला देखना भाई। और ये अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना भाई। ये देखो तुम्हारा भाई का ये बग्गी वालों को तो ऐसे ही उतार देता हूँ।
8x था भाई, देखता हूँ सामने नजर आए का। फिर थोड़ी देर बाद एक और नज़र आता है धरा मारते का। ए बेटे आ जाओ, क्योंकि मास्टर बता। फिर भाई ये पीक वीक देना बंद कर देता है जब इनको मास्टर पर धरना चलो। मैं डायरेक्ट रश कर देता हूँ। और भाई यहाँ पर एक बंदा रहता है ऊपर, तो देखता हूँ मैं, साउंड सुनने की कोशिश करता हूँ कहाँ पर। मैं नेट की पिन खींचता हूँ, नेट निकाला पहले तो स्मोक हो जाता, कैंसिल करा, नेट पर क्लिक करता हूँ, इस पर कर देता हूँ। पहले से सोचता हूँ यहाँ पर है, लेकिन फिर पता चलता है वो यहाँ पर है। और ये तुम्हारा भाई का परफेक्ट नेट, और भाई से मौका भी नहीं मिला। और भाई वो बंदा बस थोड़ा सा रह जाता ना तो गया था भाई, पहले से ही निपटाऊँगा। ऊपर जाके उसे निपटूंगा। डीपी वाला पता नहीं यार भाग जाता है यार, कैसे घूम के चला जाता है। देखो डीपी वाला उधर से फायर देगा। थोड़ा सा डैमेज देता हूँ, दो चार गोली पड़ती है, पीछे को भाग जाता है। तो भाई मैं बहुत ढूंढता हूँ पहले से निपटा, लेकिन वो मिलता नहीं है यार मुझे। ढूंढने की कोशिश करता हूँ भाई, मिलता नहीं है, पता नहीं कहाँ गया है वो, जाता है यार पीछे की तरफ। और भाई यहाँ पर 14 किल उड़ चुके हैं अभी तक। सामने एक बंदा पता नहीं किसे मार रहा था भाई, पीछे देख नहीं रहा, और दे एम्पटी पे शायद इसे तो यार दोबारा मार रहा हूँ मैं। कमेंट करके बताना गाइस अगर इसे मैं दोबारा मार रहा होता। यहाँ पे एक बंदा, मैं बंदे को नॉक कर देता है डीपी वाला, पहले तो बच जाता, दूसरी बारी में भाई निकल लेता। और जब ये गाड़ी रश कर देती है भाई बंदे, लेकिन पता नहीं यार इन बंदों के दिमाग में चल के आ रहा था। देखो मैं पहले तो बहुत सोच विचार करता हूँ भाई, क्योंकि गाड़ी है और दो तीन बंदे तो हो गए। मैं पहले देखता हूँ फुट कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, फिर थोड़ी देर बाद यहाँ से देखता हूँ वो ऊपर आ जाता है, पता नहीं क्या कर रहा था। एकदम से धरा भाई अचानक से, यहाँ पर निपटाया इसे। और भाई देखता हूँ उसका फूट आने बंद हो जाता है। मैं देखता हूँ यार वो गया कहाँ, और मुझे लगता है यार वो भाग जाता है, इसे अपने मतलब रिवाइव करने चला जाता है, लेकिन रिवाइव तो बचा ही नहीं है। बचा है यार अभी, बचा है अभी थोड़ा थोड़ा रिवाइव बचा है। और भाई देखता हूँ वो बग्गी लेकर से निपटाया, बोट जो भी था ये, देखता हूँ भाई मैं आगे जाके देखता हूँ। ले जाकर भाग जाता है यहाँ से, डैमेज देने की कोशिश करा थोड़ा सा आगे होता तो। और यहाँ पे ये देखना भाई, यहाँ पे मुझे 17वां किल भी मिल जाता है बोट का, पता नहीं कहाँ था यार वो। और भाई मर जाता, फिर हम आगे की तरफ आ जाते हैं। और भाई जैसे मैं ब्रिज की तरफ जाता हूँ और ब्रिज पर रोकता हूँ तो एक बोट मिलता है, उसे यहाँ पर निपटाया। फिर आगे जाने के बाद जैसे हम पेट्रोल पंप पे जाते हैं ना गाइस, तो ये हो जाता है हमारे साथ, खेल ख़त्म हो जाता है बस। और क्या हुआ भाई, खेल ख़त्म हो गया। ये देखो यहाँ पर जब भी दो बग्गी रश, तो एक बग्गी ये गई और एक बग्गी ये आई, हल्का सा डर ये देखा तो भाई सामने बग्गी। और भाई खेल ख़त्म हमारा नहीं, इनका हो जाएगा। वो जैसे थोड़ा सा डैमेज देने की कोशिश करता हूँ, बाइक रोज आती है MP3 के पास, हल्का सा डैमेज दिए फिनिश करा। और भाई वो बग्गी लेके भाग जाता है। उस बंदे को याद रखना लास्ट में भाई, वही चिकन डिनर का कारण बनेगा। यहाँ पे 20 किलो हो जाते हैं मेरे। और भाई यहाँ पे गाड़ी ठाकर मैं साइड की तरफ चल जाता हूँ, तो यहाँ से देखता हूँ भाई कोई दिखता है या नहीं। जब भी मुझे सामने एक बंदा खड़ा होता है देखता हूँ, पता नहीं क्या करूँ ये हिला ही नहीं, फिर दोबारा मारा। ये शायद मुझे लगता है यार ऑफलाइन मिल गया, ऑफलाइन हो गया था ये, और इसे यहाँ पर निपटाया। यहाँ से लगती नहीं है यार, खड़ा हो गई मारना पड़ेगा भाई इसे निपटाया। फिर इसका बंदा यार इस नीली वाली बिल्डिंग में सामने आ जाता है, और तुम्हारा भाई गाड़ी ठाक कर रश कर देता है। भाई इसके पास थी कैडी वाली गन, मैं मोली ठाकुर ऊपर की तरफ कर देता हूँ ताकि ये नीचे कूदे, और ये नीचे कूदता भी है। और भाई जैसे ये नीचे कूदता है तुम्हारा भाई इसे ये धर लिया, पता नहीं कहाँ चला रहा था ये,
तीन यहाँ पे से निपटा देते हैं। फिर लास्ट वाला बंदा बचता है भाई, हम दो बंदे बचते हैं। दो नंबर की बलि मैं कहता हूँ, दो नंबर से भाई तू चला जा, तू मार दे। तो यहाँ पे नॉक होकर बैठ जाता है भाई। और भाई देखता हूँ जैसे सामने वो भाग रहा होता है, और इसे यहाँ पे निपटाने के बाद चिकन डिनर हमारा। तो ऐसी ही वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। और भाई लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो भाई, वीडियो अच्छी लगे तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।